हूँ आपके साथ पूजा शुक्ला। एक नजर डालते हैं आज के खबर की ओर। नवी मुंबई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच यूनिट की टीम मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल स्नैचिंग करने वाले नाबालिग आरोपियों को पकड़ कर 7 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल ऐसे कुल मिलाकर 4,30,000 रुपए का सामान जब्त किया है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह, अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर बीजी शेखर पाटिल ने नवी मुंबई पुलिस की हद में हो रही मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल स्नैचिंग आदि मामलों के आरोपियों का पता लगाकर इन मामलों का खुलासा करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट के क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार पाटिल, सहायक पुलिस आयुक्त विनोद चौहान के मार्गदर्शन में एक मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान सेंट्रल क्राइम ब्रांच यूनिट के लक्ष्मण कोपरकर और राहुल वाघ को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर मोबाइल स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 17 वर्षीय 2 आरोपियों को 2 जून को उलवले से हिरासत में लिया गया। इसके बाद की गई पूछताछ में इन्होंने बताया कि पनवेल शहर तरघर नवासेवा राबाले थाने से 8 मोटरसाइकिल चोरी की है। इसके बाद इन आरोपियों के पास से 7 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए। पुलिस ने आशंका जताई है कि इन लोगों के पास से और भी मामलों का खुलासा हो सकता है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। त्याचं व्यवस्थित विश्लेषण करून आणि तात्विक तपासामध्ये चांगली कामगिरी करून पी आय सुनील शेट्टी यांनी मान्य अखिल आरोपी पकडले। त्यांच्याकडनं 1,58,000 किमतीचा सोन्या चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम हस्तगत केली। त्यामध्ये ऍक्च्युली 4 गुन्हे उघडे झाले, परंतु सध्या मुद्देमाला हस्तगत 2 गुन्ह्याचं झालेलं आहे। त्यामध्ये कोकण कॅडर पोलीस स्टेशनचा एक गुन्हा आहे आणि 1 दिवसाचा गुन्हा आहे। हमारे बड़े अच्छे रिटेंशन हुए हैं क्राइम ब्रांच की। जो हमारी टीम है, हमारे एडिशनल सिटी साहब हैं, शेखर पाटिल साहब डी सी पी, प्रवीण पाटिल हैं एस सी पी हैं और बहुत सारे हमारे जो सीनियर पी आई हैं, उनकी टीम है पूरी पुलिस की। उन्होंने टोटल 37 बड़े इंपॉर्टेंट जो केसेज हैं, वो केसेज भी किस चीज़ के हैं, चेन स्नैचिंग के हैं, जबरी चोरी के हैं, गठपोड़ी के हैं, मोटरसाइकिल चोरी के हैं और अपहरण के हैं, कुछ अमली पदार्थ के केसेज हैं। ऐसे 37 उन्होंने इस कोरोना की पीरियड में भी इतने केसेस डेट किए हैं और उसमें काफ़ी लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है और करीब 22 लाख का प्रॉपर्टी हमने रिकवर किया है सब मिला करके। और इसमें विशेष रूप से जो चेन स्नैचिंग जो सोलह गुना जो डेट हुआ है वो बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ में ये केस होता है और मोटरसाइकिल पे आकर के चेन स्नैचिंग करके भागते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है या कुछ कतल भी हो सकता है। तो ये बड़ा प्रायोरिटी है और इसमें इंस्पायर का कोरोना लोगों ने अच्छा काम किया है, तो मेरी इच्छा थी कि हम आपसे बात करें और इसमें हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जिसने अच्छा काम किया है उनको मैं उनका अभिनंदन करता है, उनको मैं समस्या देता हूँ आपके सामने और ऐसे ही कोशिश करते हैं कि ये लोग ऐसे अच्छा काम करेंगे और डिटेक्शन और क्राइम कंट्रोल होगा, ऐसे क्लियर भी करेंगे हम इसको। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल।